बुरी हालत है। और कल मेरा शोर का एक्सीडेंट ही हो गया। कल से तो मैं समझा अभी मन लगा है ना परम। नानी आप बताएं उस दिन अब्बू की हालत का। हाँ बहुत बुरी हालत थी अचानक की, खाना पीना छोड़ दिया। YouTube फैमिली कैसे आप सब आए, आप सब खैरियत से होंगे। आप सब की दुआओं से मैं भी माशाल्लाह से बिल्कुल फिट फाट हूँ, ठीक ठाक हूँ। तो भाई आज का व्लॉग स्टार्ट करने लगे हैं स्नोबर आपी के ही बात से, क्योंकि स्नोबर आपी ने, थैंक यू सो मच स्नोबर आपी, आपने मेरे चैनल को जो है ना देखा और मेरी वीडियो आप तक गई, बहुत शुक्रिया। आपने थैंक यू सो मच भी लिखा मेरी मतलब वीडियो पर, तो आप लोग का बहुत शुक्रिया। आप लोग इतने बड़े अच्छे यूट्यूबर्स होते हैं, इतने बड़े होते हैं। और तो यहाँ पर स्नोबर आपी को बार बार हर कोई इंसान यही बोल रहा है कि भाई ये फेक वीडियो बना रही हैं और ये झूठ बोल रही हैं, इनके पापा की तबीयत ख़राब नहीं है, झूठ है ये वो। तो आप क्या जानते हैं कि सही है या नहीं सही है, और वो क्या झूठ बोलेंगी? इतनी बड़ी एक्टर हैं वो और मतलब टिकटॉकर हैं और यूट्यूबर हैं, तो उन्हें फैम लेने की क्या ज़रूरत है? और उनके पापा की वाकई में ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो उनके फेस से ही पता लग रहा है, वो हंसमुख इतनी हैं और अब वो जो है ना इतनी सैड वीडियो बना रही हैं, तो ये आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। और मुझे तो भाई बहुत दुख होता है, मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं तो उनको देखती हूँ दिन रात, तो मैं यही कहती हूँ कि नहीं वो बिल्कुल भी फेक वीडियो नहीं बना रही हैं। तो अभी चलते हैं मेरा नाश्ता देखते हैं। तो ये देखिए नाश्ता गरम कर रही हूँ मैं, अभी हम बनाएंगे नाश्ता वगैरह, करेंगे नाश्ता और फिर आप लोगों से मैं बैठ के बातें करूँगी स्नोबर आपी की, कि स्नोबर आपी को हमने कहाँ देखा था और हम लोग क्यों स्नोबर आपी के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, फुल व्लॉग देखना है। तो चले चलते हैं नाश्ते की तरफ और नाश्ता बच्चों को देते हैं और करते हैं। मैंने रात में बनाए थे अंडा गुदाला इस तरीके से, तो मैं अब अंडा गरम कर रही हूँ, तवे पे ही कर लेती हूँ, मैं पतीली में भी कर सकते हैं, पर इसमें थोड़ा रखा हुआ है तो मैंने बोला बस जितना खाना है उतना गर्म करूँगी। और यहाँ पर ये देखिए बिरयानी भी ये लोग लेकर आए हैं, आयान अरमान, आयान के पापा। और ये देखिए अजान, हेलो हाय कर दो अजान, देखो हेलो हाय कर दो अपने व्यूवर्स को अजान। अस्सलामुअलैकुम अजान। अरमान की तबीयत भी सही नहीं है, तो आप लोगों ने दुआएं करनी है अजान के लिए। अजान आपने अपनी गाड़ी से खेलना है क्या? अजान गाड़ी से खेलना है? अजान बोलो, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अच्छा लाइक करें और क्या करें अजान? शेयर करें, कमेंट करें। इधर देखो, लाइक करें, कमेंट्स करें और क्या करें? शेयर करें। अच्छा तो ये देखिए अपनी जबान में बोल रहा है, अपनी लैंग्वेज में, अपनी चाइनीज बोली में के शेयर कर दें, तो प्लीज़ शेयर करें। और यहाँ पर इनसे भी मिलवाते हैं, अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ पर अभी ये सो के उठे थे और उठते ही जो है ना ये निकल गए थे काम पर और बाहर, और अभी आए हैं और अभी करेंगे हम नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने जो है ना अपने लिए तो रोटी तली है और इन्होंने अपने लिए ये लेकर आए बिरयानी। तो ये लोग तो बिरयानी के दीवाने हैं, चटोरे हैं, तो ये लोग खाएंगे बिरयानी, मैं खाऊंगी रोटी और अंडा। और हमारी यहाँ पर देखिए चाय मज़ेदार सी, और मेरी चाय बड़े मज़े की होती है। और मैं आप सबको थैंक यू सो मच करूँगी आप लोग का थैंक यू, और जो न्यू फ्रेंड्स आए हैं, न्यू बहन भाई आए हैं चैनल पर, उनका भी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और स्नोबर आपी ने भी मुझे लिखा थैंक यू सो मच, मैं यहाँ पर पिक्स लगा रही हूँ, ये देखिए उनका कमेंट्स, और माशाल्लाह से बहुत शुक्रिया उनके, बहुत खुशी हुई। लेकिन यार उनके जो है ना वालिद साहब की बहुत तबीयत ख़राब है, तो आप लोगों ने उनके लिए दुआएं करनी हैं और उनको अल्लाह पाक जल्द से जल्द सेहतियाबी दे, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो यहाँ पर चले अभी, नहीं नहीं वीडियो में तो नहीं लिया, कुछ भी नहीं आया वीडियो में, तो चलो बिरयानी रखो, चलो नाश्ता करो जल्दी, यही खड़े हो जाओ। सिंधी खाना नहीं है ये, अंडा है बेटा, सिंधी खाना ऐसे नहीं बनता। चलो अजान भी आ रहे, चलो खड़े हो जाओ जल्दी से, फ्रेश हो जाओ। अभी पापा धुलवाएंगे, तुम पापा के धुलवाना, पापा है तुम्हारे, चलो
हटो हटो चाय ला रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी चाय भी आ गई। अरमान आप भाई को पकड़ के रखो इसको। यहाँ देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे माशाल्लाह से तीनों बेटों को, और माशाल्लाह से ये लोग खाना खा रहे हैं, और खाना खा के इनको जो है ना लग जाती है बस कि मम्मा हमारा व्लॉग तो बना लें थोड़ा सा। तो फिर मैंने इनकी टिकटॉक पर वीडियो डालने के लिए मैंने थोड़ी वे उस तरीके से वीडियो बना ली थी मोबाइल को मतलब सीधा करके। और अब जो है ना फिर मेरा दिल चाह कि आप सबसे भी शेयर करूँ। आप लोग भी अजान की वीडियोज़ को काफ़ी पसंद करते हैं। ये देखिए कह रहे कि मुझे खाना खाना है और खाना खाने बैठे हुए थे। और हाँ सनोवर आप इसे कैसे मिले थे कहाँ मिले थे तो आपने जाना नहीं, देखना है अभी आप लोग आगे चल के देखिएगा कि हम लोग कहाँ सनोवर आप इसे मिले थे। और इंशाल्लाह मेरा शूट भी होंगे बहुत जल्दी ब्राइडल के, और कल तो मैं जाऊँगी फेशियल वगैरह करवाने या फिर मेहंदी लगवाने मेकअप करवाने, वो अभी मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है क्योंकि जिन्होंने बुलाया है तो उन्होंने कहा कि बस आप पार्लर में आएँ तो फिर आके आपसे बात होगी और जो आपको कराना होगा आप वो कराइएगा। तो अब देखती हूँ मैं जाके मैं क्या करवाऊँगी क्या नहीं। तो आप लोगों ने साथ बने रहना है और कोई हम चार्जेस नहीं दे रहे, हमारा सब फ्री हो रहा है। तो आप लोगों ने फिर साथ ही बने रहना है। जहाँ से मैं ब्लैक सूट में तैयार हुई थी तो वही मेरी जो है ना लुक थोड़ा चेंज करेंगी किसी चीज़ का, मतलब या तो मेरे बालों का लुक चेंज करेंगी या मेरे फेस पे थोड़ा सा कुछ करेंगी न्यू लुक देंगी या फिर मेरे मेकअप को लुक चेंज करेंगी। तो आप लोगों ने साथ ही बने रहना है और सनोवर आप के लिए भी दुआ करनी है उनकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाए, उनके पापा की तबीयत ठीक हो जाए। वो भी बहुत ही प्यारी और अच्छी मतलब एक हमारी पाकिस्तान की बेटी हैं, तो मतलब आप लोगों ने उनको सपोर्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। भाई नाश्ता वगैरह हम लोग कर चुके थे और अभी हम बैठे हुए थे फारिक, तो मैंने बोला चलें मैं अपने ब्लॉग का एंड कर दूँ। तो आज मैंने फिर सनोवर आपी की एक वीडियो देखी जिसमें उनके पापा की तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है और आईसीयू में रखा है, और लोग ये बोल रहे हैं कि ये सब नाटक है, ये सब ये है, ये फैम के लिए। अच्छा ये बताएं कि उनको फैम की कोई ज़रूरत है? माशाल्लाह से वो इतनी मतलब अच्छी यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं और मेकअप वो कहते हैं मतलब टीवी एक्टर्स हैं वो, तो उन्हें कोई ज़रूरत है किसी भी बात की? तो अल्लाह ताला का उनके ऊपर तो इतना शुक्र है कि वो इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं, इतना सब कुछ मतलब वो इतने अच्छी हैं, फ़नी वीडियोस बनाती हैं और इतने ही मतलब बड़ी टिकटॉकर हैं, तो उनको फेम लेने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। उनके बाबा की वाकई में ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और माशाल्लाह से जो है ना सनोवर आप इतनी हिम्मत वाली हैं कि वो अपने पूरे घर को अपने बहन भाइयों को संभाल रही हैं। तो मैं उनके व्लॉग्स देख के अभी मैं आप सबको यही बताना चाहूँगी कि आप लोग फेक जो है ना बातें नहीं करें उनके लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं दें, उनका हौसला अफजाई करें, उनको का मतलब उनको वॉच करें। आप उनको देखें बेचारे कितनी परेशान हैं, उनके हस्बैंड का भी रात में एक्सीडेंट हो गया था और उनकी जो है ना तबीयत ख़राब है मतलब सही नहीं है। उनकी नानी आई हुई है, उनकी खाला आई हुई है, इतनी दुआएं दे रही हैं लोगों को, इतनी अच्छी उनकी नानी है, उनकी इतनी अच्छी खाला है, उनके इतना मतलब हस्बैंड इतने अच्छे हैं, उनकी इतनी केयर करते हैं। तो आप लोग फेक बातें क्यों कर रहे हैं भाई? फेक लोग फेक ही बातें करेंगे और फेक ही दूसरों को समझेंगे और फेक ही जो है ना बातें करते हैं कि ऐसे वैसे, क्योंकि वो खुद फेक होते हैं इसलिए। अच्छा वो इतनी प्यारी इतनी मासूम सी सनोवर आप ही इतनी लोगों को हंसाने वाली, वो आप लोगों को जो है ना ऐसी लग रही है कि वो फेम के लिए ऐसा सब कुछ करेंगी? नहीं, फेम के लिए वो नहीं करेंगी और ना ही हम। मैंने सिर्फ मैं उनके व्लॉग्स देखती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो मलेर में अक्सर आती रहती हैं। मेरे अयान ने उनका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ था तो कल परसों उनकी वीडियो, मेरे बेटे अयान है मोहम्मद अयान छोटा सा है, तो मलेर में ना सनोवर आप ही जो आती है ना तो वो शोज़ वगैरह करने आती हैं बच्चों के, तो अयान ने कहीं उनको देखा होगा शो में, तो वो बच्चों को गिफ्ट दे रही थी तो अयान ने उनको सब्सक्राइब किया होगा या फिर उनकी वीडियो सामने आई होगी तो अयान ने उनको सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मेरा इतना सा बेटा 9 साल का बेटा उनको वॉच करता था, मतलब उनकी वीडियो देखता था और उनको वो अच्छी लगती है, वो उनकी छोटी छोटी प्यारे प्यारे क्यूट से बेबी हैं दो, तो उनको भी देख रहा होता है मेरा बेटा। तो फिर मैंने फिर जब उनके पापा की तबीयत सही नहीं थी ना तो वो वाला व्लॉग देखा ना, तो मेरा दिल करा कि मैं भी उनके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और मैं भी उनको सपोर्ट करूं और मैं उनको दिल से सपोर्ट करना चाहती हूं और मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूं और मैं उनको दिल से जो है ना कहना चाहती हूँ कि सिस्टर आप परेशान ना होए सनोवर आपी,
हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके सब्सक्राइबर बहुत 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 ज़्यादा हो जाएंगे, मिलियन हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपको वॉच कर रही हूँ, माशाल्लाह से फुल वॉच कर रही हूँ मैं आपको, और आप बहुत अच्छी हैं। आप इसी तरह अपने जो है ना व्लॉग में व्लॉगिंग करती रहें, आप लोगों को इग्नोर करें जो लोग आपको फेक बोल रहे हैं, या आपकी बाबा की तबीयत का लेके बोल रहे हैं कि फेक है ये है वो है। आप लोगों की बातों को सुने ही ना, इग्नोर करें। आप लोग ऐसे ही होते हैं, मतलब किसी को ना हंसता देख के खुश और ना रोता देख के खुश। लोगों की तो मतलब ये बातें ख़त्म होती ही नहीं है, लोग जो है ना बस फजूल बात फजूल वो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अभी जो है ना मैं आप सबसे यही कहूँगी कि भाई मुझे तो स्नोबरापी बहुत अच्छी लगती है, मैं तो उनके व्लॉग शौक से देखती हूँ, और कौन कौन उनके व्लॉग शौक से देखता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और बस अल्लाह ताला आपके पापा को सेहत याबी दे, और अल्लाह ताला उनको आईसीयू से जल्द जो है ना अल्लाह ताला ठीक करके वो घर जाएं लेके अपने पापा को, और वहाँ पर वो खुशियाँ हमारे साथ शेयर करेंगी। उन्होंने कहा है अपने ब्लॉग्स में जैसे उनके पापा ठीक होंगे तो वो खुशियाँ जो भी होंगी वो शेयर करेंगी। और मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट हूँ वाकई में यार, माँ बाप के बगैर कुछ भी नहीं है इंसान का। मेरे हस्बैंड यतीम है ना, तो वो ही जानते हैं कि उनको कितनी अपने मम्मा पापा की याद आती है। अब जैसे माँ बाप होते हैं सर के ऊपर, बहुत ही बड़ा उनका साया होता है। अब जैसे कोई भी नहीं है तो हम इतने परेशान हैं। अभी मेरे भी हस्बैंड की कमर का दर्द सही नहीं होके दे रहा, वो भी इतने परेशान हैं। वो एक ही कमाने वाले हैं और उनके ऊपर कोई भी नहीं है, तो वो जो है ना परेशान होते रहते हैं कि मैं क्या करूँ, मेरे सर दुख, मेरी कमर दुख रहा है, मेरे ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। अब माँ बाप होते हैं ना तो थोड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है, तो बच्चों को इतनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। अब वो जो है ना उनकी हर बात की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही है, तो इस वजह से वो भी बहुत परेशान है मेरा हस्बैंड। तो मैं तो इस बात से वो रखती हूँ कि हाँ भाई हर कोई इंसान परेशान होता है माँ बाप के बिना, तो सनोबर आप ही भी परेशान है। तो इसमें आप लोगों को जो है ना फेक लोगों को यही लग रहा है कुछ लोगों को कि वो नाटकबाजी कर रही हैं, या वो नाटक है सब बीमारी का, ये वो व्यूज़ के लिए कर रही हैं, वो फेम के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आप सबको बता दूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल मैं जाऊँगी फेशियल वगैरह के लिए, तो देखिए चेहरा कितना ज़्यादा मेरा मतलब अजीब सा हो गया है, इतना रंग काला हो गया है मेरा। तो मैंने सोचा है कि मैं फेशियल वगैरह करवाऊँ, तो मैंने उनसे कहा है कि भाई मैं जो है ना फेशियल वगैरह ही करवाऊँगी, मैं मेकअप नहीं करवाऊँगी अब के आपसे। तो इंशाल्लाह देखते हैं और क्या करती हैं वो हमारे साथ, क्या मतलब हमारा चेंज करेंगी लुक हमारा, या फिर मेकअप करेंगी, या फिर कुछ भी करेंगी। और आईब्रो भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैं आईब्रो भी उनसे बनवाऊँगी। तो आप लोगों ने मेरे साथ ऐसे ही बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक करना है, कॉमेंट्स करना है। और स्नोवर आप के लिए मैं फिर से बोलूँगी, स्नोबर छोटी व्लॉग्स को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और मुझे भी आप सपोर्ट करें। मेरा नाम फाइज़ इरफान व्लॉग है, तो मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें। अल्लाह का शुक्र है ना मुझे फेम की ज़रूरत है, मतलब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, मेरा चैनल मोनेटाइज है, मुझे किसी बात की टेंशन नहीं। बस मैं उनके लिए वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ, बस एक बार मिलना चाहती हूँ, मैं उनको मिल के उनको हक करना चाहती हूँ, और उनसे बहुत मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनसे मिलूँ एक बार। तो और मावा जो गले वो भी मुझे बहुत प्यारी लगती है, मैं उनके टिकटॉक तो इतनी देखती हूँ बहुत ज़्यादा, मैं उनसे भी मिलना चाहती हूँ। वो दोनों फ्रेंड्स हैं सनोबर आपी, और वो मावा सिस्टर जो है ना वो दोनों बहन हैं, सो वो दोस्त हैं, वो बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड हैं। तो मैं उन दोनों से मिलना चाहती हूँ, बस मेरे ये ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग शेयर करें और उन तक पहुँचाएं। और वैसे सनोबर आपी ने भी मुझे थैंक यू बोला है, उन्होंने मेरा व्लॉग्स देखा है, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने शेयर किया होगा, या शेयर नहीं भी किया होगा तो स्नोबर आप तक मेरा व्लॉग्स चला ही गया आखिर। तो इसी तरह मेरे इस व्लॉग को भी पहुंचा दें स्नोबर आप तक। मिलते हैं अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।